उसने दिया है एक मॉलिक्यूल ए विद एनओएच के साथ रिएक्शन कराने पर डेट विल गिव C5H10O। सो बी इज एन एल्डिहाइड विद नो अल्फा हाइड्रोजन थस ए इज। अगर मैं बात करता हूँ बच्चों, तो देखो जहाँ पे भी आपके डाइक्लोरीन है उसके ऊपर जब मैं एनओएच की रिएक्शन कराऊंगा ना बच्चों, तो वो एनओएच की रिएक्शन वहाँ पे डायोल बना देगा, जैम डायोल, है ना बच्चों। तो आपको और कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ क्या करना है, जहाँ पर भी दो क्लोरीन अटैच है वहाँ पर दो ओएच को अटैच कर दें। और आप जानते हैं कि कार्बन पे दो ओएच नहीं रह सकते, तो अपने आप को रीअरेंज करके क्या फॉर्म कर सकते हैं बच्चों, कार्बोनिल। आप इसको सिर्फ अकेला कार्बन मत समझो, CH3 thrice कार्बन का मतलब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब उस कार्बन से तीन CH3 अटैच है, वो मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार का है, है ना। आप देख सकते हो कि सी डबल बॉन्ड ओ के साथ डायरेक्टली अटैच कार्बन को ही मैं अल्फा कार्बन बोलता हूँ, ठीक है बच्चों। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं है, सो ऑप्शन ए विल बी माई करेक्ट ऑप्शन।